जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कॉम होगी, भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट, स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के, हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसकी हम क्यों नहीं हो सकते, स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की है, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने, एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के, चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा, ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, एक तो मैं आपको बताऊं इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है, इमरान खान की नीयत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है भाई, आप सादिक और अमीन है लेकिन क्या आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है? वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, सादिक अमीन और एक कॉम्पिटेंसी डिफरेंट चीज है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये क्रिप्टो करेंसी वाली बात, भाई मुझे छोड़े अगर आपने आरिफ अलवी साहब ब्लॉकचेन को समझते हैं, अगर उनके किसी बेटे को या किसी और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना उन्हें दे दे, हम तो कह रहे हैं फ्री बनाए, अगर इसमें मेरा 1 रुपए का भी फायदा हो तो आप बोले वकार जका ड्रामेबाजी कर रहा था। जी ठीक है वकार। अच्छा वकार, मैं डैम फंड के बारे से बात करना चाहूंगी, आपकी बड़ी काविश थी और मुझे यहाँ जहां तक याद है फॉर्मर जो हमारे CJP थे, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी, उन्होंने कहा था कि जी बहुत अच्छा काम किया, बल्कि हमारे बोल न्यूज पे हेडलाइंस भी चलती रही। मैं ये जानना चाहूंगी कि डैम फंड के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स थी, लेकिन हमने देखा कि फैसल वाडा साहब ने भी आपको बड़ा हैरान किया बल्कि हर्ट किया। इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊं और आपका मौकिफ नाजरीन तक पहुंचाऊं, एक क्लिप है हमारे पास, टीम जरा चलाइएगा रजा वो क्लिप, उसके बाद मैं वकार आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, आपने सुना है कि जी विफाकी वजीर हैं ये आबी वसाइल के फैसल वाडा साहब, हुकूमत का ऐसा और इस तरह की बातें कर रहे प्रोग्राम में बैठ के। अच्छा मुझे बताइएगा कि वकार वो तो कह रहे हैं कि नकद अति ना दिए जाएं, अब आवाम किसकी सुने, आवाम को कंफ्यूज करने के मुतरातिब इस तरह का बयान, और एक तो वजीर की जानिब से फिर आप तो अपना पैसा लगा के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ गए इस डैम फंड के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी इमरान खान साहब ना नेक्स्ट इस्तीफा इनसे मांगने वाले हैं, किसी दिन भी मांग सकते हैं, जिस किस्म के बयान ये देते हैं, मतलब कोई इनसे पूछे ओ भाई मैं जुलाई से चीफ जस्टिस के साथ हूँ, मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के साथ हूँ, यूके अपने खर्चे पे गया, कैनेडा अपने खर्चे पे गया, IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कोई अकाउंट ही नहीं है, जो मूवमेंट एक चलाई जा रही है, और कोई 1 रुपया कभी कैश लिया ही नहीं है, और बाहर वाले लोग इतने पागल नहीं है कि वो कैश उठा के दे दें, सबके सब ने हर इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। 2.6 मिलियन $ प्लेजेस नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कनाडा से भी जमा हुए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अभी 27 अप्रैल को यहां पर इवेंट हो रहा है IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का, हम फैसल वाडा साहब को दावत देते आए। और तहरीके टेक की तरफ से मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, यार ये वाटर मीटर लगाया आपने कभी, सोचा इसका लगाने का, आपके घर पे पूरे पाकिस्तान में वाटर मीटर कहां लगा हुआ है मुझे बताएं। ओ भाई ये पानी का बिल आता कैसे है, भाई बिजली का मीटर लगा हुआ है, बाकी चीजों गैस का लगा हुआ है, पानी का मीटर लगाने का कभी आपने सोचा कि यार चलो घरों में लगाए, पानी का मसला नहीं है पाकिस्तान में, वाटर अकाउंटेबिलिटी का है, कभी आप इस पे भी बात कर लिया करें, कभी आप जाके वहां बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं जी मैं इंडिया से लड़ लूंगा, कभी बंदूक उठा के पहुंच जाते हैं, ओ भाई वाटर मीटर लगाने का सोचे, ये तहरीके टैग की तरफ से मुफ्त मशवरा है आपके लिए।
अच्छा वकार, मुझे ये बताइए कि बिस्ना के ये लोग बयान दे देते, दूसरी बात में एक बात आपने दरमियान में की, आप आगे फिर आपने टॉपिक चेंज कर दिया, मैं वो बात दरमियान में रहेगी कि हमारे यहाँ आईटी का मिनिस्टर है, वो आपको कह रहे हैं व्हाट्सएप यूज करना मुझे नहीं आता, फिर वो आईटी का मिनिस्टर कैसे बन गया? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस बंदे को व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, आजकल तो नानियां दादियां व्हाट्सएप यूज कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या करके जाएगा स्टैन्योर में? अब आप ये खुद सोचिए कि अगर मैं सबसे पहले, मैं खुदा की कसम सबसे पहले आईटी मिनिस्टर के पास गया हूँ, उसके बाद मैंने असद उमर साहब के असिस्टेंट से इतने अरसे तक बात करता रहा हूँ कि भाई सारी दुनिया को जो चीज समझ आ गई है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके इतना पैसा ला, अच्छा भाई पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का नुकसान क्या होगा, मईशत को नुकसान क्या होना है, क्या इसकी वजह हवाला हुंडी हो जाएगा, क्या यहां पर कोई ब्लैक मनी आ जाएगी? और मैं फिर अर्ज करूंगा तमाम मौलाना हजरात से, आईटी मिनिस्टर को तो छोड़े ना, मासूम आदमी है, उसको क्या बोले अब हम ना, उसने कभी कोई गलत बयान दिया, एमकेएम के लोग वैसे ही बहुत मासूम होते हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते किसी भी तरह, बहुत प्यारा है हमारे दोस्त भी है, अब उनको वजारत जिसने दी, हर बंदा मासूम होता है, सियासत में आता है मेरे ख्याल से वकार, लेकिन उनको जिसने विजारत दी है उसको पूछना चाहिए, आवाम ही बेचारी सारी गुल्लू बट बन गई है, मेरे ख्याल से ये सारे मासूम हैं। इमरान खान साहब से पूछना चाहिए, इतनी तारीफ कर रहे थे उनकी, उनसे ये पूछे कि भाई आपने लास्ट प्रेसिडेंट मेडल जो मिलते थे साइंटिस्ट को वो 2012 में हुए, उसके बाद हुए ही नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, फॉर्म 2017 में भरे हैं, कहाँ है वो अवार्ड, विनर कौन है उसके, किसको मिला अवार्ड 2017 में? 2012 इमरान खान साहब की तो तारीफों में मुझे एतबार है ही नहीं, आपके वाली बात के सादिंग होंगे, अमीन होंगे, मुल्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लॉयल होंगे, लेकिन उनकी तारीफों में मुझे एतबार नहीं। सबसे ज्यादा आपको याद है किसकी तारीफ करते थे वो, जो वजीर आजम नहीं भी थे, असद उमर, ऐसा वजीर खजाना तो आपने देखा नहीं होगा, असद उमर साहब को ये समझ नहीं आ रही कि क्रिप्टो कितनी है, मैं बहबूद सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, हुकूमत से कोई ये पूछे ये बहबूद सर्टिफिकेट में इतना ज्यादा जो प्रॉफिट दे रहे हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, ये सूद नहीं है, ये फिक्स प्रॉफिट क्या कहलाता है, ये कौन सी मदीना की रियासत है यहां सूद दिया जा रहा है? अच्छा सूद नहीं है तो मुझे बता दे भाई, हो सकता है मेरी नॉलेज अच्छी ना हो, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सिराज साहब से, जितने भी मौलाना हजरात हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ये फतवा देना जरूरी है कि हर मदरसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर मदरसे में बच्चे को सीखना फर्ज है, ये अगर आप फतवा दे देंगे तो नुकसान क्या है इसमें बता दें, और चांद अभी किसी ने फतह नहीं किया, अभी मार्स किसी ने फतह नहीं किया, सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि ये मरीख पे या मार्स पे या चांद पे सबसे पहले अजान मुसलमानों को देनी चाहिए, मुसलमानों को सबसे पहले ठीक है वकार, मुझे लगता है कि तो चांद जो आप कह रहे हैं किसी ने फतह